हाँ जी नमस्ते जी। तो यार आज का वीडियो भी काफ़ी मस्ती वाला होने वाला है और ये वीडियो आप लोगों को पता है आप लोगों का फेवरेट में से एक है ये। तो यार इस वीडियो के जो प्रोडक्ट्स है करते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं, मतलब इनके अपने ही कुछ हिडन फीचर्स है। ये बाहर से किसी और के लिए कुछ और लगते हैं और अपन लोग जो दिखेंगे तो कुछ और होंगे। तो यार यही कुछ अपना हंसी मजाक मस्ती स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो में काफ़ी मजा आएगा। चलो ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक मंगाई है टॉय कार। टॉय कार किसको पसंद नहीं होती है यार। तो यार ये कार के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे जैसे कि फरारी लिखा हुआ है और जियोटेल लिखा है। तो फिर हम लोग ये कार ओपन करने वाले हैं, काफ़ी मजा आएगा। तो ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हम लोगों की कार आ चुकी है, इसे मैं अभी निकालता हूँ। ठीक है, ये आ गई है हम लोगों की कार। तो कार के ऊपर से रैपिंग हटा लेता हूँ मैं। ओके, ये निकाल दी है मैंने। एंड इसके साथ आप लोगों को इसकी एक बैटरी मिल जाती है और एक चार्जिंग केबल मिल जाती है। बैटरी गोज इन, उसके बाद इट इस कनेक्टेड। मैंने बैटरी लगा दी है एंड उसके बाद जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये एक फ़ोन है। तो यार एकदम ये पूरी कार की शेप में डिज़ाइन किया हुआ है और ऊपर से आप लोगों को एक टॉय कार लगेगा, बट एक्चुअली में ये एक प्रॉपर फ़ोन है। ये ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है। बैक साइड में इसके एक कैमरा है एंड अगर आप पीछे के साइड में देखोगे तो बैटरी के नीचे यहाँ पे आप दो सिम लगा सकते हो और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो ये एक डुअल सिम फ़ोन है, काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे भी लाइट जलती हैं अगर मैं इसे बंद करता हूँ। तो ये आप लोगों को लाइट दिख रही है क्या? एक सेकेंड, ये बटन है वो इसके टायर्स बटन है एक्चुअली में। तो ये जो उसके ऊपर वाले टायर्स हैं ये बटन है। कीपैड अनलॉक। ऑलराइट, तो फिर चलो इसका मेन्यू चेक कर लेते हैं। वो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो सारा मेन्यू भी यार कार्स में आ रहा है। मैसेजिंग, कॉल लॉग्स, सेटिंग्स में देख लेते हैं। और इसके जो टायर्स हैं ना यार दोनों साइड में, तो एक एक्चुअली में वॉल्यूम डाउन का है इधर साइड वाला और इधर साइड वाला वॉल्यूम अप का है। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ लगी मेरे को। और नॉर्मल कीपैड है अंदर, आप लोग तो फिर इसके थ्रू नंबर्स टाइप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। यहाँ पे इसमें एक कैमरा बटन है अगर आप देखोगे तो, मैसेजिंग बटन और वीडियो प्ले पॉज बटन के साइड में। तो यहाँ पे हम लोग कैमरा यूज़ करके सेल्फी तो नहीं ले सकते, उल्टा करना पड़ेगा फ़ोन सेल्फी लेने के लिए। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, खींच गया। अरे कैमरा इधर है। तो कुछ इस तरह से आप फोटोज़ भी खींच पाओगे। फोटोज़ भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो यार, काफ़ी ज़्यादा कूल है एंड ऐसे कार की डिज़ाइन में पूरा। मेरे को बेस्ट चीज़ ये लगी कि इसकी सारी ये लाइट्स भी जलती हैं, तो फिर ऐसे करके आपको पूरा जो टाइम है वो सब इधर आ जाएगा, टाइम अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। एंड अगर आप इसके साइड में भी देखोगे ना तो यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी स्लॉट है इसकी चार्जिंग के लिए ऑफकोर्स, एंड यहाँ पे एक माइक्रोफोन भी है। तो ठीक ठाक बढ़िया फ़ोन है यार, ऐसा वॉलपेपर भी सही लगता है इसका और ऐसे दिखने में भी मस्त है यार। अगर ये कार चल सकती तो फिर ये एकदम कमाल हो जाता। तो बढ़िया चीज़ है, पूरा एकदम कार की शेप में काफ़ी बढ़िया आप लोगों को फ़ोन मिल जाता है ये। हेलो, किसका कॉल आया? यूट्यूब का। और यार आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को काफ़ी कमाल का ऐप बताना चाहता हूँ। उस ऐप का नाम है कागज़ एंड इसका नाम ही इसके काम को डिफाइन करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अगर आपको पेपर स्कैन करना है या फिर कोई भी आपका आईडी कार्ड हो गया उसको स्कैन करना है, तो इसके थ्रू आप काफ़ी इजीली स्कैन कर पाओगे और काफ़ी आसानी से यार अपने डॉक्यूमेंट्स को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। और नाम भी अपना है यार, अपना देश भी अपना है। तो पूरा मेड इन इंडिया ऐप है एंड इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स, कोई साइन इन नहीं लगता आप लोगों को, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है और कोई वाटरमार्क नहीं है, सबसे बढ़िया चीज़। और अपना कंप्लीटली फ्री टू यूज़ है। तो फिर जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया मेरा, चलो इसको स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का डॉक्यूमेंट आ चुका है, ये ऐप मैंने खोल ली एंड उसके बाद कोई भी आप नॉर्मल से डॉक्यूमेंट टफट क्लिक कर सकते हो। ऑलराइट, फिर आपको सेलेक्ट करना है यार कोई भी साइज़ जो आप लोगों को रखना है। बाउंड्रीज अगर आपको क्रॉप करनी है तो आप थोड़ी सी क्रॉप कर सकते हो। फिर इसमें काफ़ी सारे टूल्स भी हैं, तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो, तो बढ़िया बढ़िया टूल्स हैं, तो जैसे आपको चाहिए वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, इट इज़ लुकिंग फाइन। तो फिर यहाँ पर डन कर देते हैं, ऐसा करके आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आप इंस्टेंट उसे पीडीएफ बना सकते हो, पीडीएफ में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड हो गए हम लोग की पीडीएफ और इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है यार। तो काफ़ी सही, बहुत बढ़िया फीचर्स है इस लोगों के। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो इस ऐप के। हाँ जी, जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगाई है वो एक मंगाई है यार लिपस्टिक। तो यार अब सबको ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ, तो फिर मेरे को भी ज़रूरत है। तो मैंने मंगा ली। तो ये ओके, हम लोगों की लिपस्टिक आ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया इन लोगों ने आधी बटरफ्लाई बनाई है। तो एक साइड का पर है इसका। तो ये हम लोगों की लिपस्टिक है एंड चलो मैं लगा लेता हूँ।
तो यार ये एक्चुअली में लिपस्टिक नहीं है, ये एक पावर बैंक है जो पूरा लिपस्टिक की शेप में डिजाइन है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी की थोड़ी लिपस्टिक भी उठा ली है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यार ये ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, पता नहीं चलेगा अगर आप ऐसे रख दोगे। ऑलराइट, तो चलो यार इसको एक्चुअली में यूज़ करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, बस तो हो चुका है ये कनेक्ट, एंड से हम लोग इसे करते हैं फ़ोन से कनेक्ट। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये आराम से चार्ज कर रहे हैं। फास्ट चार्जिंग नहीं है यार, एक लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा मत मांगना उससे। तो ये एक प्रॉपर हम लोगों का अच्छा काफ़ी बड़े चार्ज कर दे रहा है। एंड अगर आप इसका बॉक्स भी देखोगे ना, तो ये एकदम कोई ऐसे लिपस्टिक का पैकेट ही लगता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसके स्पेसिफिकेशंस में, इसमें पावर बैंक के स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि ये 2400 mAh का पावर बैंक है, तो वो उस हिसाब से मेरे ख्याल से इतना छोटे साइज़ में एंड इतना भी पावर बैंक इनफ है यार। मतलब कि अगर आपकी 5000 mAh की कोई फ़ोन की बैटरी है, तो ये आधी चार्ज कर देगा, पूरी चार्ज भी नहीं कर पाएगा। बट एकदम बहुत प्रिसाइज साइज़ में, जैसे कि आप देख सकते हो कितना छोटा है ये, तो उसके लिए काफ़ी सही लगा मेरे को। एंड ये अच्छा है कि अगर आप इसे पॉकेट में रखते हो, तो ये बिल्कुल ऐसे स्पेस नहीं लेगा, पॉकेट हैवी नहीं होगा, तो बहुत आराम से इसे कैरी कर पाओगे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है इसकी। और बाकी कभी मन करे तो बीच में खोल कैसे वो नहीं हो सकता इसके साथ, ठीक है, बाकी सब हो सकता है। तो यार बढ़िया चीज़ है, चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ऑलराइट, इसके बाद जो हम लोग के पास चीज़ है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये एक्चुअल में एक बल्ब है, LED बल्ब, तो इसे भी हम लोग ओपन कर लेते हैं यार। तो ये हम लोगों ने बल्ब निकाल लिया है। ओके, ये काफ़ी बड़ा सा बल्ब है, बट ये बल्ब का मैं आप लोगों को सीक्रेट बताऊं। तो गाइज़ ये एक स्पाइंग कैमरा है, इसमें एक एक्चुअली में कैमरा लगा हुआ है। तो अगर ये बल्ब ऑन है, रूम में लोग आते हैं, तो फिर उनको नहीं दिखेगा कि एक्चुअली में इसमें एक कैमरा भी है, बट यहाँ पे एक सीक्रेट कैमरा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड कैमरा के साइड में एक यहाँ पे माइक्रोफोन है, एंड उसके साइड में यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। हम लोग यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड लगा देते हैं। ऑलराइट, तो बॉस यहाँ पे ये बल्ब हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप कर लिया, और एक्चुअली में इसमें भी एक वाईफाई इनबिल्ट, तो उसका एक ऐप आता है, वो मैंने डाउनलोड करके इसका सब सेटअप कर लिया फटाफट। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों का ऐप है, उसके अंदर चलो हम लोग लॉगिन कर लेते अभी। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर दिया हूँ। तो एक्चुअली में हम लोग ये बल्ब देख सकते हैं, और आप मेरे को देख सकते हो यार, यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। एक्चुअली ये सर्कुलर थोड़ा हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा वाइड एंगल में ले रहा है, एंड उसके बाद जो ऑडियो, मतलब ये ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है हम लोगों का, तो वहाँ से भी एक ऑडियो आ रहा है। और एक और चीज़ जो मेरे को पता नहीं थी, एक्चुअल में इसमें स्पीकर है, तो फिर हम लोग इस फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। हेलो, सुना क्या? इधर से आवाज़ आ रहा है यार। तो यहाँ पे एक्चुअल में स्पीकर भी है। उसके बाद चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लाइट ऑन कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट, लाइट भी हो गई है ऑन। फिर एक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट बड़ी जल्दी ले लिया। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है अपार्ट फ्रॉम दी लाइट। तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यार, ये पूरे कैमरा के एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ भी आता है। अगर आप चाहो तो फिर जो हम लोगों ने इसमें मेमोरी कार्ड डाल रखा है, अगर आप यहाँ से रिकॉर्डिंग का सेव वाला बटन दबाओगे, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेव भी हो जाएगी। तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो यार, ये नॉर्मल बल्ब से ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहा है, बट इसमें कितने सारे फीचर्स थे। तो ये भी काफ़ी बढ़िया एकदम सीक्रेट डिवाइस है, और आप लोग अगर चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा यार कि अगर कोई आप इथिकल पर्पज़ के लिए कर रहे हो अगर, तो आप सही जगह यूज़ करो, तभी यूज़ करो। जैसे कि आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कर रहे हो तो ठीक है, वरना मेरे ख्याल से ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए हम लोगों को। बाकी तो ये है ही अच्छा, चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हाँ जी, तो इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज़ मंगाई, ये एक्चुअली में गाइज मैंने एक लेंस मंगाया क्योंकि मेरे को चाहिए था। तो ये लेंस है गाइज सिग्मा 24-105 mm समथिंग। तो ये हम लोगों का लेंस आ गया कैमरा का, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है, ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, इसके फीचर्स, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया लेंस है, बट ये कैमरा में लग नहीं सकता, और इसमें से फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, रिकॉर्डिंग भी नहीं बन सकती, इस पर आप लोग कॉफ़ी पी सकते हो अपनी। तो गाइस एक्चुअली में ये एक लेंस के डिज़ाइन में एक ये कप है, तो आप जैसे कि देख सकते हो अंदर पूरा स्पेस हॉलो है, एंड ये एक्चुअली में काफ़ी बड़े इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये अंदर से पूरा मेटल है, तो इसके अंदर हम लोग अपनी कॉफ़ी रख सकते हैं, चाय रख सकते हैं, जो रखना है रखो, और काफ़ी बढ़िया करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो आप लोगों ने कोई बढ़िया कॉफ़ी बनाई एकदम ओहो वाली, तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं यार। तो यार ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप लोगों के लिए, अगर ऐसे आपको कॉफ़ी बढ़िया पीनी है। हाँ, एक्चुअल में कॉफ़ी अच्छी बनी है, और उसके बाद अगर आप लोगों को नहीं पीनी है, थोड़ी देर रखनी है,
तो आप अच्छे से आराम से कैप लगा के रख सकते हो। और ऐसे ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत सही है कि आप डायरेक्टली ये लेके जा सकते हो। इनफैक्ट मेरे ख्याल से कार के लिए काफ़ी बढ़िया यार, ऐसे शेक वेक भी होगा तो कुछ हिलेगा नहीं और उसके बाद आप लोग फिर से यूज़ तो कर ही सकते हो। ओ एक्चुअली में इसके ऊपर एक सिपर भी है, तो ये एक प्रॉपर कॉफ़ी मग हो गया यार, यहाँ से भी आप लोग कॉफ़ी ड्रिंक कर सकते हो। बहुत गर्म है, मज़ा आ गया। तो ये रहा हम लोगों का कॉफ़ी मग और ये रहा हम लोगों का DSLR का लेंस। तो यार ये देख सकते हो एक अच्छा, काफ़ी इन लोगों ने डिटेलिंग की है। अगर आप साइड में भी देखोगे तो फिर मतलब ऐसा है कि दूर से कोई देख के बता नहीं सकता कि ये लेंस नहीं होगा, तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मेरे को। तो इन दी एंड यार कॉफ़ी का मज़ा आ गया। तो आप लोग बताना इसमें से आपका कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट था। मेरे को तो यार ऑनेस्टली सभी मज़ा आया, सब पसंद आया। तो आप लोग बताओ आपका कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट था, और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो सब लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। एंड मैंने एक आप लोगों को काफ़ी अच्छी ऐप बताई थी, कागज़ ऐप, तो वो ऐप भी आप लोग यार डाउनलोड कर सकते हो। एंड मेड इन इंडिया ऐप यार अच्छा इनिशिएटिव है, तो उसको भी जाकर सपोर्ट करो, उसके भी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी अमेज़न की काफ़ी बढ़िया कोई भी अच्छी डील चाहिए तो फिर हम लोग टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो भी डेली बेसिस पे अच्छी डील्स आती है अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट की भी, तो वो हम लोग आप लोगों को वहाँ पर जाके बता देते हैं, जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो उसका भी चैनल का नाम भी है काउंटिंग यूनिक। तो यार चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और एक सेकंड, अगर आप लोगों मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो। यार मैंने थोड़ा कंटेंट स्विच किया है क्योंकि मोटिवेशनल, फाइनेंशियल और इंफोटेनमेंट काइंड ऑफ कंटेंट भी मेरे को बनाना है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे बनाना स्टार्ट किया, तो वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आप लोग बहुत स्वीट हो यार, अच्छा खासा सपोर्ट करते हो मेरे को, थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।